हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे लौकी मसूर की दाल, जिसका टेस्ट काफ़ी अलग होता है और खाने में काफ़ी अच्छी होती है। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो लौकी, जिसे हमने काट के लिया है। आप अपनी मनपसंद शेप में काट सकते हैं। और आधा कप हमने दाल ली है, लाल मसूर की दाल लेनी है हमें। एक प्याज लिए फ्रेंड्स, चार हरी मिर्च, दो टमाटर, सात आठ लहसुन की कली ली है। एक कुकर लेंगे, इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। इसमें हम दो तेज पत्ता लेंगे, जिसे हमने तोड़ के डाला है, और एक चम्मच जीरा लेंगे। दो सूखी लाल मिर्च लेनी है। हमने जो प्याज काटी थी स्लाइस में, अब इसे हम डालेंगे और इसे हम हल्का कलर चेंज होने तक भूनेंगे। इसे हमें लाइट ब्राउन करना है, डार्क नहीं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने जो टमाटर लिए थे, उन्हें हमने चॉपर में चॉप कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसकी प्योरी बना सकते हैं। इसे भी हम भूनेंगे अच्छी तरह से, टमाटर को मसाले के साथ। अब इसमें हम सूखे पाउडर मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हमने फ्रेंड्स हल्दी ली है, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, और एक चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाला जितना अच्छी तरह से भुना होगा, सब्ज़ी में उतना ही टेस्ट आएगा। नमक फ्रेंड्स टेस्ट के अनुसार लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो तेल छोड़ने लगेगा। अब हमारा मसाला बिल्कुल भुन चुका है। अब इसमें हम कटी हुई लौकी ऐड करेंगे। इसे हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे, मसाले के साथ भूनेंगे। लौकी का अपना जो पानी होता है वो छोड़ देगी। देखिए फ्रेंड्स, लौकी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसमें हम दाल ऐड करेंगे। दाल को भी हम 5 मिनट के लिए भूनेंगे लौकी के साथ। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गई। अब इसमें फ्रेंड्स हमने आधा गिलास पानी डाला है, और इसे हम कुकर का ढक्कन लगाकर हम रख देंगे। 2 सीटी आने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। 2 सीटी में ये तैयार हो जाती है सब्जी। अब हम कुकर खोलकर चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। हमें ऐसे ही चाहिए थी ना ये सब्जी, ज़्यादा पतली है ना गाढ़ी है, ये ठीक है जैसी हमें चाहिए थी। अब इसे हम सर्व करेंगे। एक बार हमारे तरीके से लाल मसूर की दाल और घिया बना के देंगे फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी लगती है। इसे आप रोटी सब चावल के साथ इंजॉय कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।